नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपक ऑटो सेंटर में। आज के वीडियो में आपको काइनेटिक वेलोसिटी का क्लच प्लेट कैसे चेंज किया जाता है उसे मैं चेंज करके आपको बताऊंगा। इसके लिए मुझे इंजन ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा। देखिए, मैंने इंजन ऑयल ड्रेन कर दिया है। उसके बाद मैं किक को खोलूँगा और ये क्लच चैम्बर जो है उसे मैं बाहर निकालूँगा। तो किक को मैं खोल लेता हूँ और क्लच का जो वायर है उसे भी मैं खोलूँगा। चलिए, मैं किक को खोल लेता हूँ और क्लच के सारे चैम्बर को खोलूँगा, मोबिल गेज को भी खोलूँगा। चैम्बर के सारे बोल्ट को मैं खोल लेता हूँ। ये क्लच का कवर हमने खोल दिया है। इसमें सेम हीरो होंडा जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो चलिए, मैं बैलेंसर प्लेट को खोल लेता हूँ। चारों स्क्रू को खोल लेंगे। जिस तरह स्प्लेंडर में चेंज होता है सेम उसी तरह इसमें भी लगता है, और उसका क्लच प्लेट, क्लच सेंटर, क्लच हब सब उसी का लगता है, सेम, कुछ अलग नहीं होता है। तो इसका हमें सिर्फ क्लच प्लेट ही चेंज करना है। इंजन ऑयल एक दो दिन पहले ही चेंज कराया हुआ है, तो हम इसका सिर्फ क्लच प्लेट ही चेंज करेंगे। ये बैलेंसर प्लेट को हमने निकाल लिया। अब हम बैलेंसर को खोलेंगे। चलिए, स्टूल की मदद से बैलेंसर को खोल लेंगे। कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइट खुलता है ये, बट इसमें आसानी से खुल गया। बहुत सी गाड़ियों में बहुत टाइट रहता है। अब बैलेंसर को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद ये कटोरा से खोल लेंगे। दस नंबर के दो बोल्ट लगे हुए रहते हैं इसमें। सेम स्प्लेंडर का है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। मैंने एक गाड़ी का इंजन खोला था इसका, तो इसका पिनियन भी स्प्लेंडर का ही मैंने डाला था। गियर उसका तीन नंबर छोड़ रहा था। क्योंकि मैं इसका इंजन ऑयल ड्रेन नहीं करूंगा, तो मैं इसका चैम्बर को वाश नहीं करूंगा, बस मैं सिर्फ क्लच प्लेट को चेंज कर दूंगा इसमें। अब ये चारों दस नंबर का बोल्ट को मैं खोलूंगा। बोल्ट खुलने के बाद इसका स्प्रिंग को बाहर निकाल लेंगे। चारों स्प्रिंग को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इसका ये नट को हम खोलेंगे। तो इसके लिए मुझे सेंटर पकड़ने के लिए टूल्स चाहिए, जो कि स्प्लेंडर वाला ही लगेगा इसमें, और मैं इसे नट का टूल्स की मदद से इसे खोल लेता हूँ। ये खुल गया, आसानी से खुल गया।
मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, इसे सेंटर को बाहर निकाल लेता हूँ। ये सेंटर है, ये घिस गया थोड़ा, ये ख़राब हो गया, मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, देख रहे हैं। और ये क्लच प्लेट है, क्लच सेंटर, क्लच प्लेट, क्लच सेंटर, क्लच प्लेट, क्लच सेंटर, क्लच प्लेट, चार क्लच प्लेट है। और क्लच प्लेट और क्लच सेंटर ये दोनों मैं लगाऊंगा नया। क्लच हब जो है ये सही है, देख रहे घिसा हुआ, नया वाला सही है। तो चलिए मैं इसे फिटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा साफ कर लेता हूँ इसे। अब मैं इसमें क्लच प्लेट डालूंगा एक, फिर प्रेशर प्लेट, पहले क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट। इसी तरह कर हम चारों क्लच प्लेट और तीन प्रेशर प्लेट को लगा देंगे और सबसे लास्ट में रहेगा क्लच सेंटर। ये हो गया, अब इसे हम फिट कर लेंगे। ये आराम से फिट हो जाएगा, प्लस प्लेट सारे खांचे में डाल देंगे। और ये सेंटर जो है ये फ्री होना चाहिए, देख रहे फ्री है। अब मैं इसका नट को लगा दूंगा और वही क्लच का टूल से मैं इसे टाइट भी कर दूंगा। अच्छी तरह से इसे टाइट कर लेंगे। क्योंकि ये लूज होने से क्या होगा कि अगर ये लूज हो जाएगा तो क्लच हार्ड हो जाएगी, काम नहीं करेगी। अब जिस तरह हमने खोला, स्प्रिंग वगैरह सब डाल देंगे उसमें, चारों बोल्ट को बारी बारी से कस देंगे।
चारों बोल्ट को मैं कस लेता हूँ। और इसे बाहर की ओर खींचकर टाइट करेंगे ताकि सेंटर बाहर की ओर आए। क्लच टाइट होने के बाद ये बोल्ट घूमना नहीं चाहिए। चारों बोल्ट टाइट होने के बाद चलिए मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। ये फिल्टर है, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल फिल्टर। ये गंदा हो गया, मैं इसे क्लीन करूँगा। अब जब भी क्लच खोले इसे ज़रूर क्लीन करें। देखिए गंदा लगा हुआ, मैं इसे क्लीन करके लगाऊँगा। देखिए इसे हमने क्लीन कर दिया है, अब हम इसे फिटिंग कर देंगे। जब भी आप क्लच खोले जरूर चेक करें उसे। अब मैं इसे लगा देता हूं। इसका टूल से हम इसे कस लेंगे। चैम्बर के सारे बोल्ट को हम अच्छी तरह से कस लेंगे। मैंने इसमें पैकिंग नहीं लगाया क्योंकि पैकिंग इसका फटा हुआ नहीं था। पैकिंग फटा हुआ रहता तभी हम लोग इसका पैकिंग चेंज करते हैं। तो चलिए मैं इसे सारे चैम्बर के बोल्ट को कस लेता हूँ। कोई भी बोल्ट ढीली नहीं रहनी चाहिए वरना ये ऑयल लीकेज करेगी, और ऑयल लीकेज करेगी तो इंजन भी ज़्यादा गर्म होगी, ये ध्यान रखें। सारे बोल्ट को बराबर से कस देते हैं। सारे बोल्ट हो गया, अब मैं इसमें किक लगा दूंगा। किक लगाने के बाद क्लच का वायर लगा दूंगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और इंजन वाल भी डाल दूंगा इसका, पुराना वाला। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में के कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।